एक लड़की अनजानी सी। वीरबाव, 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 मेरे बच्चे को बचा लीजिए वीरबाव। क्या हुआ पवन को? उसकी तबीयत कल से बहुत खराब है वीरबाव, बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में। गांव वाले मेरे को आपके पास आने को नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं जानती हूँ आप ही उसको ठीक कर सकते हैं। चिकू मेरा बैग ले। पर गांव वाले? मेरा बैग ले आओ, जैसे मैंने कहा वैसे ही करो, जाओ। आप ही उसको, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप चिंता मत। चिकू जाओ, मेरा बैग। हमने कहा था ना आपसे कि आप इस गांव में नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब बेहतर यही होगा, जैसे आप यहाँ आए हो वैसे यहाँ से चले जाइए। एक मिनट, इन्हें यहाँ मैं लाई हूँ, मेरे बच्चे की जान को खतरा है। और एक बात मैं तुमसे कह देती हूँ, इन्हें अगर कोई अंदर जाने से रोकेगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप शांत हो जाए, शांत हो जाए। चिकू तू अंदर जा। देखिए, मैं आप सबसे बहस करने नहीं आया हूँ, इनके बेटे का इलाज करने आया हूँ। जो भी बात मुझसे करनी है मेरे बाहर आने के बाद कीजिए, ठीक है? लेकिन डॉक्टर साहब, बाहर आने के बाद? अरे ये क्या हो रहा है यार, मना करने के बावजूद भी। अब घबराने की कोई बात नहीं, मैंने दवाइयाँ दे दी, शाम तक बुखार उतर जाएगा, ठीक है? चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरभाव, आज आप ही के वजह से मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिली। देखो वीर साहब, बहुत गलत किया आपने, हमारे समझाने के बावजूद आप। क्या गलत किया मैंने मुखिया जी, क्या गलत किया? क्या ये गलत है कि मैं एक डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहा हूँ? मैंने आपके गांव के बच्चे की जान बचाई है, गोपाल के बच्चे की जान बचाई है मैंने, ये मेरा फर्ज है। देखिए, हम यहाँ आपसे बहस करने नहीं आए, बस आप दोबारा इस गाँव में कदम नहीं रखेंगे। नहीं मुखिया जी, गलत मैं नहीं, गलत आप हैं, आप सब।